मूवी की शुरुआत में हम जूलिया नाम की एक केटरिंग ओनर को देखते हैं, जो कि अपनी एम्प्लॉय पॉल के साथ एक विलेज में जा रही थी, क्योंकि मिसेस पर्ज नाम की एक लेडी ने उसे अपने पार्टी में केटरिंग का काम दिया था। वो लोग जब पर्ज के घर पहुंचते हैं, तो उनकी कुक जूलिया को किचन में हेल्प के लिए ले जाती है और बाहर पॉल अपने काम में लग जाता है। लेकिन तभी मिसेस पर्ज का बेटा सिडनी अपने डॉग के साथ बाहर आता है और पॉल से बियर मांगता है। पॉल उसे बियर भी दे देता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसका डॉग भागकर जमीन में डिग करने लगता है। डिग करते करते उस जमीन से एक इंसेक्ट निकलता है, जिसका पीछा वो डॉग करने लगता है। अब सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। तभी एक इंसेक्ट पॉल के पास आता है और वो जमीन पर गिर जाता है, जिससे उसे काफी चोट लग जाती है। जूलिया ये देखकर उसे मेडिसिन लेने के लिए ट्रक में भेजती है। पॉल मेडिसिन लेकर वापस आ ही रहा होता है कि उसे वहाँ गार्डन में मिसेस पर्ज मिलती हैं। उनके गार्डन के सभी पेड़ पौधे बहुत ही बड़े थे। खैर, उनसे मिलकर पॉल काम पर वापस आता है। अब रात के समय हम पार्टी को देखते हैं, जहाँ सभी गेस्ट आ चुके थे, जिनके आने पर पॉल और जूलिया सभी को ड्रिंक सर्व करते हैं। लेकिन तभी पॉल को वहाँ एक इंसेक्ट दिखता है, लेकिन वो उसे अपनी ट्रे की हेल्प से मार देता है। लेकिन उसी वक्त एक आदमी की चिल्लाने की आवाज आती है, जिससे सभी पार्टी के लोग उसके पास चले जाते हैं। लेकिन वो वहाँ देखते हैं कि वो आदमी तड़प रहा था। ये देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। अभी वो सभी आदमी को देख ही रहे होते हैं कि तभी एक होल से बहुत से बड़े बड़े इंसेक्ट बाहर निकलने लगते हैं और सभी पर हमला भी कर देते हैं। इसी बीच पॉल और जूलिया को पता चलता है कि जिसे भी ये इंसेक्ट काटते हैं, वो जल्द ही एक बड़े इंसेक्ट को जन्म देता है, जिसके चलते उस इंसान की मौत भी हो जाती है। और कुछ इसी तरह ये इंसेक्ट अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। खैर, जब जूलिया और पॉल भाग रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक बड़ा सा इंसेक्ट आकर उन पर हमला कर देता है, जिससे उनकी वैन की कीज वहीं पर गिर जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो इंसेक्ट पॉल पर हमला करे, जूलिया आकर उसे बचा लेती है। तभी मिसेस पर्ज की कुक जूलिया को अंदर लेती है, जहां हम देखते हैं कि वहां मिसेस पर्ज, सिडनी और कुछ ही लोग बच पाए थे, बाकी सभी उन इंसेक्ट का शिकार बन चुके थे। अब बचे हुए लोग उन इंसेक्ट से बचने का प्लान बनाने लगते हैं। तब पॉल सभी से पूछता है कि क्या किसी ने पुलिस को कॉल किया है, और सभी लोग ना बोलते हैं, जिसे सुनते ही पॉल की तो सिट्टी पिट्टी ही गुल हो जाती है। लेकिन तभी सिडनी उसे बोलता है कि उसके ऑफिस में एक फोन है, जिसे वो लोग पुलिस को कॉल कर सकते हैं। पॉल ये सुनकर तुरंत सिडनी और जूलिया के साथ कॉल करने के लिए ऑफिस में जाता है। वहां वो लोग देखते हैं कि एक कार टेलीफोन पोल से टकरा गई है, जिसके चलते वहां सिग्नल नहीं आ रहे हैं और वो लोग पुलिस को भी कॉल नहीं कर पाएंगे। इसी बीच विंडो पर एक सर्वाइवर उनसे हेल्प मांगता है, लेकिन सिडनी उसे घर के अंदर आने से मना कर देता है, जिसके बाद वो इंसेक्ट आकर उस सर्वाइवर को मार कर खा जाते हैं। अब ये नज़ारा देखकर वो तीनों काफी घबरा जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वो किचन की तरफ भागते हैं, जहां वो देखते हैं कि मिसेस पर्ज को इंसेक्ट ने काट लिया था, जिसके चलते उनके अंदर से एक जायंट इंसेक्ट ने जन्म लिया है। अब सभी लोग उनसे बचकर बाहर भागते हैं, लेकिन वो इंसेक्ट कुक को मार डालता है। इसे देखकर सभी लोग डर से बेसमेंट की ओर भागने लगते हैं। वहां पहुंचकर वो लोग उन इंसेक्ट से लड़ने का प्लान बनाने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिडनी बहुत डरा हुआ था, क्योंकि उसे भी एक इंसेक्ट ने काट लिया था, लेकिन उसने ये बात किसी से भी नहीं बताया था। इसी बीच एक बूढ़ा आदमी जूलिया से पूछता है कि ये इतने बड़े इंसेक्ट कहाँ से आ रहे हैं। तब सिडनी उन्हें बताता है कि सब एक फर्टिलाइजर के चलते हो रहा है, लेकिन उन्हें उस फर्टिलाइजर के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो उनके पास कहां से आया। लेकिन उन्होंने उस फर्टिलाइजर को गार्डन में रखा था और वो वहां से लीक होकर ग्राउंड में चली गई, और शायद इसी के चलते वो इंसेक्ट्स इतने बड़े हो गए। इसे सुनकर जूलिया सिडनी पर काफी भड़क जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके चलते ही इतने लोगों मारे गए। तब पॉल उसे रोकता है। अब आगे सभी बचे हुए लोग वहां से वैन की हेल्प से निकलने का सोचते हैं, मगर उनके पास कीज नहीं थी, क्योंकि वो पॉल से गार्डन में ही गिर गई थी।
और अब उन कीज को लाने के लिए पॉल गार्डन पर जाने का डिसाइड करता है। अब वो बड़ी मुश्किलों से वहां जाकर कीज ढूंढने लगता है। उसे बड़ी मशक्कत के बाद जब वो कीज मिलती हैं, तब वो उसे लेकर अंदर जाने लगता है। लेकिन तभी एक बड़ा सा इंसेक्ट मिसेस पर्जर की डॉग से निकलकर उस पर हमला कर देता है। अब पॉल उससे बहुत हाथापाई करने के बाद उसे मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूलिया और मेयर को पता चल जाता है कि इंसेक्ट्स ने सिडनी को भी काटा है। अब सिडनी के अंदर से भी एक बड़ा सा इंसेक्ट बाहर निकलने लगता है, लेकिन उस इंसेक्ट की पूरी तरह बाहर निकलने से पहले ही पॉल वहां आकर सिडनी पर एक बड़ा सा फर्नीचर गिरा देता है और जूलिया के साथ उस बूढ़े आदमी को भी बाहर लेकर निकलने लगता है। लेकिन तभी एक बड़ा सा इंसेक्ट उस बूढ़े आदमी को पकड़ लेता है और खाने लगता है। पॉल उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब रहता है, जिसके बाद वो जूलिया को लेकर वहां से भाग निकलता है। लेकिन वो इंसेक्ट उसका पीछा नहीं छोड़ता और उन पर हमला कर देता है। लेकिन इस बार पॉल और जूलिया उस इंसेक्ट का सामना करने का सोचते हैं और उसे अपनी हिम्मत से मार डालते हैं। अब वो उसको मारने के बाद जब घर से बाहर आते हैं तो उन्हें एक बड़ा सा इंसेक्ट दिखता है, जिसे देखकर उन्हें लगता है कि आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। वो इंसेक्ट उसके सामने आकर उन पर हमला कर देता है और पॉल को पकड़ लेता है। अब जूलिया उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो इंसेक्ट उसे दूर फेंक कर पॉल को वहां से लेकर चला जाता है। वहीं हम देखते हैं जब पॉल को होश आता है तब वो अपने आप को एक बंधी हुई जगह में पाता है और साथ ही वो वहां सिडनी को भी देखता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि पॉल ने तो उसे फर्नीचर के नीचे दबाकर मार दिया था, लेकिन रियलिटी में उसकी मौत नहीं हुई थी। अब पॉल को वहां इंसेक्ट्स की क्वीन भी दिखती है, जिसे देखकर पॉल को समझ में आ जाता है कि वो सिडनी की मॉम मिसेस पर्ज हैं, जो कि अभी भी उसे कंट्रोल कर रही हैं। अब वो क्वीन एक इंसेक्ट लार्वा को जन्म देकर सिडनी को उसे पॉल के मुंह में डालने को बोलती है। सिडनी ऐसा करने जा ही रहा होता है कि तभी जूलिया आकर उसके पेट में ड्रिल चला देती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और अब जूलिया क्वीन को भी डराकर वहां से भगा देती है। अब वो पॉल को लेकर वहां से निकलने लगती है, लेकिन वहां से निकलने से पहले वो एक गैस लाइन को कट कर देती है, जिससे वहां गैस लीक होने लगती है। जूलिया पॉल को घसीटते हुए वैन में लेकर जाती है और वैन तक पहुँचते ही वो घर में आग लगा देती है, जिससे वो घर अपने आप ब्लास्ट हो जाता है। पॉल और जूलिया वहां से निकलने में कामयाब होते हैं। उन्हें लग रहा था कि अब सब कुछ सही है, लेकिन तभी एक जलती हुई क्वीन उन पर हमला कर देती है, जिसके बाद डर से पॉल वैन को एक पेड़ से टकरा देता है, जिससे वो इंसेक्ट वहीं पर मारा जाता है और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। और जब उन्हें होश आता है तब वो देखते हैं कि वहां पुलिस आई हुई है, जो कि उनके हेल्प करने आई थी। अब मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइज, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि हम ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।